हेलो गाइज, मेरा नाम है हरिशंकर चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रेडमी नोट 7 का। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एवं साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइज, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने रेडमी नोट 7 आ चुका है, तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पीछे देख सकते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, यहाँ स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर है एवं 6.3 इंच का नॉच डिस्प्ले है, 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 4000 mAh बैटरी है और यहाँ 6 GB रैम और 64 GB रोम है। तो चलिए अब हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें ऊपर क्या मिला है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमें मिला है केस, फिर कुछ मैनुअल गाइड और उसके बाद आ रहा है हमारा फ़ोन रेडमी नोट 7। सो गाइस, आप इस फ़ोन का लुक देख सकते हैं, ये काफ़ी प्रीटी है। एंड गाइज, इस करके आई रियली फील वेरी ऑसम। तो चलिए गाइज, हम देख लेते हैं इस बॉक्स में हमें और क्या क्या मिला है। इस बॉक्स में मिला है हमें एक चार्जर और एक डाटा वायर। तो चलिए गाइज, हम इस फ़ोन को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो गाइज, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। सो गाइज, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं हम इस फ़ोन में क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं यहाँ सबसे पहले सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में आने के बाद अबाउट फ़ोन में हमें मिल रहा है 4 GB रैम और 2.20 GHz का ऑक्टा कोर मैक्स प्रोसेसर एंड 10.27 MIUI वर्जन और साथ ही हमें मिल रहा है 64 GB का इंटरनल मेमोरी जिसमें हम बहुत सारी डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं इसका कैमरा रिव्यू कर लेता हूँ। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो इसका कैमरा बहुत ज़्यादा ही रेयर कैमरा बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो मैं ये पिक क्लिक करके देख लेता हूँ। गाइज, हमें 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है जिसकी इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कैमरे में हमें बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, शॉर्ट वीडियो, वीडियोस, फ़ोटो, पोर्ट्रेट मोड। तो चलिए हम पोर्ट्रेट मोड को एक बार यूज़ करके देख लेते हैं कि
पोर्ट्रेट मोड में किस टाइप का इमेज मिलता है। पोर्ट्रेट मोड में जैसे कि आप देख सकते हो कि इस डब्बे के पीछे का साइज पूरा ब्लर हो चुका है, ब्लर हो चुका है, तो इसका पोर्ट्रेट मोड अच्छा ही है। इसके साथ हमें मिलता है नाइट मोड, स्क्वायर, पैनोरामा एवं प्रो मोड। सो गाइस चलिए अब हम इसका सेल्फी कैमरे यानी कि फ्रंट कैमरे को देख लेते हैं कि फ्रंट कैमरे में इसकी पिक्चर्स कैसे आती है। सो गाइस इसके फ्रंट कैमरे की भी पिक्चर्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी है।